इस वक्त आरती सिंह जो कि बिग बॉस सीजन 13 की कंटेस्टेंट रह चुकी हैं, उनकी शादी को लेकर एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही है। हमने देखा कि आरती सिंह की शादी में बड़े बड़े सितारे पहुंचे थे, पर एक शख्सियत नहीं पहुंची थी, वो थी आरती सिंह की अपनी सगी मोमानी। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं गोविंदा की पत्नी के बारे में, और गोविंदा की पत्नी जो है आरती की मामी है, और ऐसे में उनकी शादी में ना पहुंचने की वजह से लगातार लोग और फैंस जो है या तो गोविंदा को ट्रोल कर रहे हैं या फिर उनकी मामी को। पर आपको बता दें कि कृष्णा अभिषेक यानी कि कृष्णा जो कि लगातार एक लाफ्टर मैन है और वो लगातार कपिल शर्मा शो की जान रह चुके हैं, उन्होंने अपने फैंस और साथ ही आरती सिंह से ये वादा किया है कि आरती सिंह की शादी में ना सही, पर वो ऐसे आरती के घर गोविंदा की पत्नी यानी कि अपनी मामी को लेकर पहुंचेंगे। आपको बता दें कि गोविंदा की पत्नी ने साफ तौर पर आरती सिंह की शादी में आने से इनकार कर दिया था। इनके घर के कुछ फैमिली मैटर्स हैं जिसकी वजह से लगातार इनके घर के बीच की दूरियां और दरार जो है साफ तौर पर नजर आता है। पर इसके बावजूद गोविंदा जो है अपनी बहन लड़की यानी कि अपनी भांजी की शादी में धूमधाम से पहुंचे थे। लगातार उन्होंने काफी सारे ब्लेसिंग्स और साथ ही काफी सारे गिफ्ट्स भी लेकर पहुंचे थे, जिसको देखकर गोविंदा के फैंस एक तरफ तो खुश हुए, तो वहीं उनकी पत्नी यानी कि आरती सिंह की मामी की ना पहुंचने की वजह से फैंस ने उन्हें ट्रोल भी किया। दोस्तों क्या कुछ कहना है इस रिपोर्ट के बारे में, आपको क्या लगता है कि आरती सिंह की शादी में उनकी मामी को हर गिले शिकवे भूल कर उनकी शादी को सेलिब्रेट कर उन्हें आशीर्वाद देना चाहिए था? कमेंट के जरिए हमें अपनी राय शेयर जरूर कर दीजिएगा। एंटरटेनमेंट और साथ ही बड़े और छोटे पर्दे से जुड़ी हर खबर लगातार सबसे पहले प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल नॉलेज ट्विस्ट को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लें। हमें अपने कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।